झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोविड-19 के बढ़ रहे संक्रमण को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ 3 दिनों से मंथन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ विस्तार से चर्चा की। सांसदों और विधायकों ने कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम और संक्रमितों के इलाज को लेकर आ रही समस्याओं से अवगत कराने के साथ कई अहम सुझाव सीएम को दिए। हम लोग मिलजुल कर संवाद करके सलाह लेकर इस बहुत ही गंभीर आज जब हम लोग चाहे कोविड डैशबोर्ड को देखें या जिला स्तर पे जो आंकड़े हम लोग जो एकत्रित कर रहे हैं उन्हें देखें तो सर्वप्रथम विनम्र निवेदन है कि आंकड़ों को सही किया जाए। इतने अच्छे हमारे डॉक्टर हैं, इतने हमारे विशेषज्ञ हैं, इनके साथ एक सुझाव दूंगा कि हम लोगों को जनता को जागरूक करना चाहिए। आजकल बहुत सारे गलत तरीके हैं तो इससे भी लोगों को मुझे लगता है बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ इन्हें मिलेगा। राज्य की वास्तविक हालात पर आपकी नजर से मैं चीजों को देखने का प्रयास कर रहा हूं। संक्रमण फैली हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने झारखंड के साथ पूरे देश में है। अब हम लोग सब ये जरूर है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच के रहने के लोग होते हुए भी आज हम लोग एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां आज हम सब लोगों को एक साथ एक दूसरे का सहयोग लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये मेरा मानना है, और जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्व में आप लोगों के सहयोग से पहली वेव को हम लोगों ने एक कड़ी चुनौती दी थी और हम लोग उस पर काफी हद तक हम लोगों ने उसमें सफलता भी पाई। जब तक हम फिर से ठीक से खड़े हो पाते हम दूसरे वेव में घिर चुके हैं और अभी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ना जाने कब कब कितनी वेव्स आएंगी, इसकी भी चर्चाएं हवा में है। और निश्चित रूप से हमें अब ऐसे विपदा के लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करने की जज्बा को जिंदा रखना पड़ेगा। और ये तभी इस ऐसे जंग से हम लोग और ऐसे भयावह स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आज आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझावें दी हैं और कई जरूरत की बातें भी कही है। झारखंड, आप सब लोगों को पता है कि यह प्रदेश अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है। आज हमारे खनिज संपदाओं से पूरा देश जगमगाता है। आज हमारी स्थिति स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर या अन्य चीजों को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग सही ईमानदारी के साथ राज्य के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे तो हम इस अभिशाप से भी इस राज्य को बाहर निकाल लेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहूंगा। और आज इस संक्रमण में भी आप देख रहे होंगे, भले ही अखबारों के बड़े बड़े अखबारों में हम ना छप रहे हों, टीवी चैनलों में हम ना दिख रहे हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में बड़े पैमाने पे इस राज्य से ऑक्सीजन पूरे देश में जा रहा है। ट्रकों में भर कर, ट्रेनों में भर कर, हवा जहाज के माध्यम से, अनेकों माध्यम से यहां से बड़े पैमाने पर हमारे देश में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं, मेरी इच्छा भी है और मैं चाहता भी हूं कि राज्य सरकार के पास संसाधन है और आज ऐसे आपदा की घड़ी में अगर हम ऑक्सीजन
लोगों तक पहुंचा पाएं, ये हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात होगी, काफी गौरव की बात होगी झारखंड के लिए, झारखंड प्रदेश के लोगों के लिए। हम लोगों ने हमेशा से देश में अपना एक उदाहरण अलग बनाया है। हम लोग हमेशा उदारवादी के साथ ये राज्य आगे बढ़ता रहा है। सीमित संसाधनों में भी हम लोग काफी शालीनता के साथ, काफी सौहार्द के साथ अपना जीवन व्यापन करने में विश्वास रखते हैं। और आज शहरों के अंदर, और आप लोगों ने देखा होगा कि आज से 20 दिन पहले जिस तरीके से शहरों के अंदर एम्बुलेंस की आवाजें गूंजती रहती थीं, वो आज लगभग यदाकदा एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही हैं।